ओके सो हेलो मैंने जगह वर्जो में से सो डिफो पे आज तुम सब मैं ना गाइस आज मैं बताने वाला हूं कि ऐसे गेम में कौन-कौन से वेपन्स एंड मैक्स हैं जिनको तुम्हें ऑफ कोर्स बाय करना चाहिए एंड जिनको फिलहाल के लिए तुम्हें होल्ड पे रखना चाहिए, लाइक फ्यूचर में तुम लोग अनलॉक करना बट फिलहाल के लिए उन्हें होल्ड पे रखना। कौन-कौन से वेपन्स गेम के अंदर है जिनको बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड तीसरी चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक तुम सब फ्यूचर में बाई करना है एज अ कलेक्शन। देखो बुरा लगता है ये सुनने में बट बात सही है, गेम के अंदर कुछ ऐसे वेपन हैं जिनका मैं करना मतलब लाइक उनको बिल्कुल ही लो कर रखी है तो उनका कुछ काम नहीं होता। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं भयंकर मैक्स से। सो मैक्स में तुम्हें कौन कौन से अनलॉक करने चाहिए और कौन कौन से नहीं एज अ बिगिनर। सो ब्रो मैक्स में तो मोस्टली सारे ही अच्छे हैं बट पैरागन तुम्हें स्टार्टिंग में मिलने वाला है भयंकर। पूमा तुम्हें अनलॉक नहीं करना चाहिए लेकिन न्यू प्लेयर्स जो हैं, जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं उन्हें ऑफकोर्स पैंथर और क्यूचर नहीं मिल रहा तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें करना ही पड़ेगा। स्टॉकर तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें शॉप से खरीदना पड़ेगा लेकिन जब गियर हब आएगा तो उसके अंदर वो मिलेगा। और साथ में मैं तुम्हें गियर हब की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, एक मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ जिसके अंदर मैं गियर हब की टिप्स एंड ट्रिक्स डालने वाला हूँ तो उसके लिए रेडी रहना। और साथ ही साथ भाई उसके नेक्स्ट डे मैं डालने वाला हूँ गियर हब के जितने भी मैक्स एंड वेपन्स हैं उनके प्राइस, तो रेडी रहना भयंकर। तो गार्डियन तुम्हें स्पेशल, देखो आजकल के मैं टाइम में कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो कि न्यू अपकमिंग प्लेयर्स हैं, मैंने गौर की अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए काफ़ी सारे न्यू अपकमिंग प्लेयर्स भयंकर गार्डियन नहीं खरीद ले, तो मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ भाई तुम लोग बेवकूफ़ हरकतें कर रहे हो, गार्डियन बाई करो। उन लोगों ने लिटरली अपने हैंगर में गार्डियन लगा रखा है, गार्डियन नहीं लगा रखा लेकिन उसके अलावा सारे मैक्स और उनके ऑलरेडी अनलॉक हैं, प्रोग्रेस पाथ में अनलॉक हो गया है भयंकर। तो फिर बात है पैंथर, ये तुम्हें अभी मिलेगा नहीं न्यू अपकमिंग प्लेयर। स्कॉर्पियस नहीं, गेट क्रेशर नहीं, ये तब करना भयंकर जो तुम्हारा हाई लेवल हो जाए क्योंकि इसे अपग्रेड करने में तुम्हारा रोना निकल जाएगा और इसके इम्प्लांट्स मिलते भी नहीं है, इसके ब्लूप्रिंट्स। ऑनिक्स नहीं, रेडॉक्स नहीं, रेडॉक्स एज अ मिड गेम मैक अच्छा है लेकिन एज अ लाइक हाई लेवल जब तुम्हारी स्क्वाड पावर बढ़ जाएगी तब अच्छा नहीं है। और फिर आता है लैंसर, ये तुम्हें फ्री में मिलेगा। स्लिंग शॉट तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, न्यू प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। शैडो पे इन्वेस्ट मत करना स्टार्टिंग में, शैडो पे पता है क्यों बोल रहा हूँ इन्वेस्ट मत करना स्टार्टिंग में, मैंने भी नहीं किया था और ये बहुत अच्छी चॉइस थी। शैडो अच्छा मैक है बट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। टेंगू में बहुत अच्छा मैक है जिसको तुम स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। किल शॉट तुम्हें मिलेगा नहीं बट जब मिल जाएगा तो या डेफिनेटली किल शॉट इस गेम का वन ऑफ द ऐसा मैक है जो कि भयंकर तुम्हें लाइक लो लेवल से हाई लेवल तक दोनों में मदद करेगा। रिडीमर ये तुम्हें शॉप से मिलेगा बट इसको अपग्रेड करने में भी तुम्हारी कुंजी चली जाएगी क्योंकि फॉर सम रीज़न इसके इम्प्लांट बहुत ज़्यादा रेयर हैं, पता नहीं कैसे। ये एक एपिक मैक है बट इसके इम्प्लांट मिलते ही नहीं है भयंकर। इक्लिप्स एक अच्छा मैक है, यस ये एक अच्छा मैक है लेकिन इसे अपग्रेड करना मुश्किल हो गया, लेजेंडरी मैक है। सर्ज ये तुम्हें मिलने से रहा, ये तुम्हें 9000 एकॉइंस में खरीदना पड़ेगा और उसके लिए पहले तुम्हें प्रोग्रेस पाथ वो सब वगैरह वगैरह, तो सर्च को अपग्रेड करना एक्चुअली बहुत अच्छा है लेकिन एज अ बिगिनर तुम्हें इसे अनलॉक करने के लिए पैसे चाहिए। देन आता है जगरनॉट, इसको डेफिनेटली बाय करना, अगर तुम इसे बाय नहीं करते गेम के अंदर तुम भयंकर गेम नहीं खेल रहे हो। एरीज एज अ बिगिनर बहुत अच्छा मैक है, एरीज जगरनॉट भयंकर बाय करो। जो बिगिनर्स हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अपना गेम उनको अपने हैंगर में एरीज जगरनॉट गार्डियन एंड पूमा एंड स्लिंग शॉट लगाना चाहिए, उसके बाद तो भयंकर उनका पैंथर वैंथर अनलॉक होगा। एगिस नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। सेंटिनल नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। बैस्टियन तुम्हें शॉप से लेना पड़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट इस पर पूरी की पूरी 100% जायज है। फिर आता है एमडी, एमडी एक अच्छा मैक है लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने इसे कभी अपग्रेड नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम ये थी इसको लेके चलना मुश्किल था, इसका आर्मर लाइक इसको एम करना मुश्किल है जो कि काफ़ी अच्छी बात है बट उसके अलावा बाकी इसका कुछ उतना प्लस पॉइंट नहीं है सिवाय कि एचपी बढ़ा सकते हैं अपनी और इसकी खुद की एचपी 150,000 है पायलट लगाने के बाद। अरैक्नोस, अरैक्नोस में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मैं कहूँगा अरैक्नोस एक अच्छा मैक है गेम का, इसकी सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि मैकेना ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका आर्मर बहुत लो कर दिया। अगर मैकेना इसका आर्मर मीडियम भी कर देना तो भाई गेम का हर बंदा यूज़ करेगा और इसकी टरेट का थोड़ा डैमेज बढ़ा दे इस गेम के अंदर लाइक हर बंदा यूज़ करना शुरू कर देगा, वरना तो भयंकर ये इस मैक को अभी उतना अपग्रेड मत करना। इसे 4 स्टार तक कर सकते हो लेकिन जब मीडियम में तुम आओगे ना मीडियम और हाई में तब तुम्हारा ये उतना काम नहीं करेगा। ओरियन एक बहुत अच्छा मैक है बट हाई लेवल प्लेयर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। जेवर 100% स्मैश। चीता अच्छा मैक है लाइक मजाक से हट के, स्टार्टिंग के लिए अच्छा नहीं है बट मीडियम प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग में भयंकर तुम्हें वैसे लोग मिलने वाले जो जमीन नेक लगा कर रखेंगे। ब्रिक हाउस ये भयंकर भूल जाओ, ये नहीं भूल जाओ। देन आते हैं वेपन्स, वेपन्स में तो भयंकर ये सेक्शन को हम लोग छोड़ते हैं बिकॉज इस सेक्शन के अंदर प्लाज्मा कैनन ये सब तो भयंकर तुम्हें मिलेगी मिलेगी। देन आता है फ्यूजन कैनन नहीं, ओके फ्यूजन कैनन मिड प्लेयर्स के लिए अच्छा है बट हाई और लो लेवल्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। आई नो तुम लोग कहोगे भाई लो लेवल के लिए क्यों, बिकॉज लो लेवल में तुम्हें फ्यूजन कैनन 6 मिलेगी और बाई चांस अगर तुम लो लेवल हो और तुम्हें फ्यूजन कैनन 12 मिल भी जाती है तो भयंकर तुम इसे लगा नहीं सकते, तुम सिर्फ एक साइड लगा सकते हो और अगर ये तुम्हें 1 स्टार की मिले तो तुम भयंकर रहने दो।
उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन उसकी जगह पल्स कैनन ज़्यादा बढ़िया है। पल्स कैनन भयंकर तुम अपने दोनों साइड भी लगा पाओगे एंड ये बहुत अच्छी काम भी करती है। मैं इसे भयंकर बहुत यूज़ करता था। कार्बाइन इस गेम का वन ऑफ द बेस्ट वेपन है, बट प्रॉब्लम ये है कि हाई लेवल बनने के बाद तुम इसे यूज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। आरपीजी के बारे में ना बात करें, मिसाइल रैक 100% बाई करने हैं। वोल्टिक आरपीजी एक अच्छा वेपन है, बस डैमेज थोड़ा और बढ़ा दे भयंकर, तब तो लोग इसे पागलों की तरह खरीदेंगे। इसका डैमेज थोड़ा और बढ़ा दे वो लोग। मिसाइल रैक भयंकर 100% बाई करना है, ठीक है। मिसाइल रैक पता है, मैं लोगों को पता है आजकल बोलता हूँ कि मिसाइल रैक 6 को स्टार्टिंग में बाई ना करें, बट कर लो यार, तुम भी क्या याद करोगे। बट क्योंकि पता है मैंने मिसाइल रैक 6 ना पहले बाई नहीं किया था, मैंने मोस्टली सोचा था कि मैं मिसाइल रैक 8 पहले बाई करूँगा, बिकॉज मिसाइल रैक 8 बाई करने के बाद ना मैं इसे दोनों साइड लगा पा रहा था। मिसाइल रैक 6 का यूज़ मेरे हैंगर में काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने इसे अपग्रेड करना बंद कर दिया, क्योंकि फिर मिसाइल रैक 8 बहुत जल्दी अनलॉक हो गया मिसाइल रैक 6 के बाद। ओके देन तो मिसाइल रैक 12 मिसाइल रैक 16 तो भयंकर एक साल बाद आया है। तो देन आता है हमारा थर्मल लेंस। ये गेम की स्टार्टिंग में तुम्हें यूज़ करना ही पड़ेगा, कुछ करने से तुम्हारे पास गन्स कम रहेंगी। स्टार्टिस भी में एक अच्छा है वेपन, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारी 4000 स्क्वाड पावर है, उसके बाद इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है 4-5000 स्क्वाड पावर के बाद। देन आता है ग्रेविटॉन भी में, एक अच्छा वेपन, बस प्रॉब्लम यह है इसके साथ, क्योंकि इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इनविंसिबल वेपन है। बस प्रॉब्लम इसके साथ एक ही है भयंकर, वो टाइम। अगर बंदा छुपता रहे ना बार बार और तुम्हें छुप छुप के मारता रहे, तो भयंकर तुम मारते ही रह जाओगे सकल तक, वो मरने नहीं वाला। शॉर्ट गन इस गेम का वन ऑफ द बेस्ट वो है वेपन, क्लोज रेंज वन ऑफ द बेस्ट है, और ये टेंगू पे एकदम भाई गॉड लेवल काम करता है। फ्रैगमेंट गन भी एक बहुत अच्छी गन है, बस अभी तक भयंकर इसका एम का समझ नहीं आया, इसके एम मिस होते हैं। एआरसी टोरेंट ब्रो इसको खरीद लो, इसको देखते ही खरीद लो, ना इसको देखते ही खरीद लो भयंकर, इसको देखते ही खरीद लो, ये एक लॉन्ग टर्म वेपन है। ऑफकोर्स एआरसी टोरेंट 6 उतनी लॉन्ग टर्म नहीं है, इसका यूज़ काफ़ी जल्दी खत्म होता है, जैसे ही तुम 4000-5000 तक पहुँचते हो तो इसका यूज़ कम होने लगता है, बट उसके बाद तुम्हारी एआरसी टोरेंट 10 अनलॉक हो जाती है, तो या इसको बाई करना वर्थ इट है। देन आता है लॉन्ग आर्म्स, वर्थ इट, सीधा पैसे फेंको भयंकर इस पे, ये मिड तक भयंकर बहुत तगड़े काम करते हैं। गॉस राइफल पे आई नो ये सुनने में बुरा लगेगा, बट गॉस राइफल एक अच्छी स्नाइपर है, लेकिन इसका डैमेज कम है ब्रो। पूरे गेम के अंदर ना ये वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर हो सकती है, अगर इसका सिर्फ थोड़ा सा डैमेज बढ़ा दे, क्योंकि लगातार चलती है भयंकर, लगातार इसका रेंज भी हाई है और ये लगातार स्नाइपर चलती है, तो अगर इसका सिर्फ डैमेज थोड़ा और बढ़ा देना तो ये बहुत तगड़ी होगी। देन ईएम राइफल्स आती हैं, इनको तो भयंकर तुम्हें मैं बोलूँगा अभी ना कि मत खोलना फिर भी, और सॉरी इग्नोर मारना, कुत्ते भौंक रहे बाहर। देन आता है जर्मनी नेक, जर्मनी नेक 4 को मैं बाई करने के लिए उतना नहीं कहता, लोगों को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि सीधा फिर जर्मनी नेक 6 बाई किया करो। जर्मनी नेक 8 अच्छा गन है, बस मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक चांस होता है हिट करने का, लाइक दो चांस, लेकिन इसके अंदर भयंकर दुनिया भर के चांसेस ही चांसेस हैं, तो मैं जर्मनी नेक 6 लोगों को ज़्यादा राय करता हूँ। जर्मनी नेक 12 तो भयंकर बहुत तगड़ी है, लेकिन जब तक तुम्हारी जर्मनी नेक 16 खुलेगी तब तक तुम्हारा गेम में हाई लेवल पर पहुँचोगे, बस ये अलग बात है अगर किसी ने अपने पैसे लगा के खरीदे हो उसको गेम की स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो या बन आता है हेलिक्स रैक, हेलिक्स रैक एक अच्छा वेपन है, बस इसका एक प्रॉब्लम है कि ये सीधा हवा में जाता है, ये इसकी एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्रोपोलिस जैसे मैप आ गए जिनके अंदर छत है तो ये वेपन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भयंकर सीधा हवा में जाता है। ये इसकी अच्छी बात क्या है कि तुम भयंकर इसे रॉकेट मोटर की तरह दूर से यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी बुरी बात क्या है, अगर कोई भी मैप आए जिसके अंदर ऊपर छत है तो ये काम नहीं करेगा। इंस्टेंट ऑफ दैट जर्मनी रैक एक्चुअली काम कर जाती है स्टिल, तो या दोनों इसके प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी है हेलिक्स रैक के। डिस्क लॉन्चर भयंकर, इसको तो मैं मना करूंगा ना फिर भी तुम लोग, तो या इसको लेना बनता है। रॉकेट मोटर्स ऑफकोर्स लेना बनता है, आई नो तुम लोग सोच के हैरान होगे, बट ये इस गेम का वन ऑफ द स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, बिकॉज तुम जब तुम मिड प्लेयर पहुंचते हो ना तो तुम्हें बहुत सारे स्पैमर्स लोग मिलते हैं, जो कि भयंकर। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्पैमर्स और रॉकेट मोटर यूजर्स में क्या डिफरेंस है। रॉकेट मोटर यूजर्स वो होते हैं जो लाइक मोस्टली तब यूज़ करते हैं भयंकर, उनका सेकेंड या थर्ड मैच ना रॉकेट मोटर होता है, लेकिन स्पैमर्स वो होते हैं रॉकेट मोटर के जो कि भयंकर हर बैटल शुरू होते ही रॉकेट मोटर, और पूरा बैटल खत्म हो जाएगा फिर भी वो रॉकेट मोटर यूज़ करेंगे और हर बैटल में ये करेंगे, तो वो स्पैमर्स होते हैं, ना कि वो जो कि रॉकेट मोटर तब यूज़ करें भयंकर जब उतने मैक्स होना है, ये सब वो अलग होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। देन आती है मिनी गन, मिनी गन एक अच्छी वेपन है, इसको स्टार्टिंग में होने में टाइम लगता है। चेन गन एक बहुत अच्छी वेपन है स्टार्टिंग प्लेयर्स के लिए, स्टार्टिंग प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी वेपन है, एंड मिड प्लेयर्स के लिए, बस प्रॉब्लम ये जनरेटर की तरह चालू होती है तो टाइम लगती है, तो इसलिए जब तुम हाई स्कोर पावर प्लेयर बन जाओगे जहाँ पे काम लिटरली सिर्फ चुटकियों में होता है वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। नेड लॉन्चर एक अच्छी वेपन है, इसका डैमेज हाई है, इसका रेडियस अच्छा है, लेकिन सेम प्रॉब्लम हेलिक्स रैक की तरह ये हवा में जाती है। पायलट्स की जहाँ तक बात आई तो ना ही करे तो बढ़िया है। पायलट्स में मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं भयंकर एमवीपी नेमार अच्छा है या नहीं, ऑफकोर्स अच्छा है एमवीपी नेमार, वन ऑफ द बेस्ट पायलट है इस गेम का, ये डबल है भयंकर, हाइब्रिड है, दो दो चीज़ें यूज़ कर सकता है, स्प्रिंट बढ़ाता है, तो भाई तुम्हें और क्या चाहिए।
तो इसको बाई करना या वर्थ इट है, नेमार जूनियर एंड एमवीपी नेमार जूनियर, इसको डेफिनेटली बैंक कर लेना। एंड या ये थे बिगनर गाइड्स। आई नो तुम लोग सोच रहे होंगे भयंकर आलोक, मैंने बाकी यूट्यूबर्स को देखा तो वो तो भयंकर इस पर पूरी 15-15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तूने सिर्फ इतनी जल्दी जल्दी कैसे समझा दिया। देखो बात ऐसी है, सिंपल रखना चाहता हूँ मैं इसको, मैं टफ नहीं करना चाहता, तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा बोर नहीं डालना चाहता कि ओ भयंकर इसका डैमेज ये है, कैलकुलेशन करो, वो मल्टीप्लीकेशन, नहीं, सिंपल इज सिंपल, तो मैंने तुम्हें सिंपली बताया। ओ सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सर्वर मेंटेनेंस में चला गया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बाय बाय गाइस।